हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार सीजन दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जिन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट किया है और वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ये सुनहरा मौका है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसने अपना जो पीएचडी नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला है। तो इसके लिए आप बस टाइप करिए गूगल पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले ही www.aldunivy.ac.in मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको जाना है, एक राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा एडमिशन 2020, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन 2020 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, यूजी एंड पीजी कोर्स, एलएलबी के लिए यूजेट, सीआरईटी, पीजेट। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए करते हैं पीएचडी के लिए, तो आपको यहाँ पे सीडेट को क्लिक करना है। जैसे आप सीडेट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है उन्होंने मेंशन कर रखी 28 जुलाई, ठीक है। उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन करने की जो एंड डेट है या एप्लीकेशन की जो एंड डेट है वो है 28 अगस्त 2020। पेमेंट कब स्टार्ट होगी, 27 से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है और जो पेमेंट एंड होगी वो 28 अगस्त। तो इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की वो है 28 अगस्त 2020। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका जो ब्रोचर है कि उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो हम ब्रोचर को डाउनलोड करेंगे। जैसे आप ब्रोचर को डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी है पता चलेगी, साथ ही साथ जो है इसकी फी कितनी है एप्लीकेशन करने की और साथ ही साथ जो है क्राइटेरिया क्या है वो सब आप देख सकते हैं। तो बस आपको स्क्रॉल डाउन करने का है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा 8.8 जो कि इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको कितना फी पेमेंट करना है। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फी है वो 1600 है। वहीं अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका जो एप्लीकेशन फी है वो है ₹800 ओनली। इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है, जैसे कि स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है सबमिशन ऑनलाइन वो 28 जुलाई 2020 से है और जो उसकी एंड डेट है रजिस्ट्रेशन की या फी डिपोजिशन की या ऑनलाइन सबमिट करने की आपके फॉर्म की वो है 28 अगस्त 2020। इसके बाद इन्होंने बताया जो एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल होंगे वो होंगे 1 वीक बिफोर द एडमिशन डे, यानी कि जब आपका एडमिशन टेस्ट होने वाला होगा या हम बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होगा उससे 1 वीक बिफोर आपको जो है एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एंट्रेंस डेट के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं की गई है। कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से इन्होंने कोई भी जो एग्जैक्ट डेट है एंट्रेंस की वो नहीं बताई है। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें दे रखी हैं, जैसा कि हम लोग जो सीरेट का जो एग्जाम होगा वो 2 लेवल्स में होगा, एक लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 में, ठीक है। तो लेवल 1 में इन्होंने बोल रखा है जो कि होगा पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 1 में होगा टोटल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच, क्योंकि ये यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 50% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से और जो 50% क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हो गया इसका पेपर 1। तो देखिए तो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, जिसमें 25 जो होंगे वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 25 जो होंगे वो आपको जो कोर्स सब्जेक्ट जो भी आपने अप्लाई किया उसका होगा, उसका ड्यूरेशन 30 मिनट होगा। वहीं पेपर 2 का टोटल मार्क 200 होगा और जो क्वेश्चन होंगे 3 होंगे और ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट। इसके बाद ये पेपर 2 भी दे रखा है
और ये तो है इसका लेवल हो गया। अब ये लेवल वन में आता है, लेवल टू में क्या होगा कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में वो आपको प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन या जो भी दूसरा मोड होता है इंटरव्यू का वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रेंस एग्जाम होगा ये टू लेवल में होगा, लेवल वन और लेवल टू में, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो दे रखे जनरल कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से तो आपको जो है 50% यानी कि टोटल 300 में से आपको 150 मार्क्स लाने हैं क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लोगों की तो उन्हें 300 में 45% यानी कि 135 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो चीजें थी, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि इनका जो सिलेक्शन होगा जो स्टूडेंट का वो उनका डिग्री मीन्स हाई स्कूल से लेके इंटरव्यू तक का इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एपी दे रखा है, ठीक है। यानी एकेडमिक काउंसिल रिजोल्यूशन एपी स्कोर होता है, ठीक है। तो ये एपी स्कोर है तो इसकी बेस पे भी सिलेक्शन आपका होगा। अगर हाई स्कूल में आपकी 50% से कम है तो आपको 0 AP है, ठीक है, या मोर देन 50% बट लेस देन 60% टू 1 है। अगर मोर देन 60% जो मार्क्स अगर आपके हाई स्कूल में आते हैं तो आपको 2 यानी ठीक है तो 2 आपका एपी मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे इंटरमीडिएट में भी है 3 मैक्सिमम है, अंडर ग्रेजुएट में 5, पोस्ट ग्रेजुएशन में 10, नेशनल लेवल टेस्ट स्लेट या नेट आपने अगर पास किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे या 3 स्कोर मिलेगा एपी, और वहीं अगर जेआरएफ की बात करें तो 5 AP मिलेगा आपको। ऐसे ही ग्रेड टेस्ट मार्क्स में 35 AP मैक्सिमम मार्क्स होगा और इंटरव्यू का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 15, तो टोटल 75 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपका जो हाई स्कूल से लेके जो आपका इंटरव्यू तक जितने भी इन्होंने मेंशन किए डिग्री उन सबके स्कोर से, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग इन्होंने किया है क्योंकि तो मोस्टली और यूनिवर्सिटी में ये सब चीज कंसिडर नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद जो है वो इसे कंसिडर कर रहा है। इसके बाद इन्होंने कुछ स्पेसिफिक जो सीट्स भी बता रखी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और साथ ही साथ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड कॉलेजेस है उनमें भी सीट्स बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बॉटनी की तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल 8 है, वही जो अदर यूनिवर्सिटी उसमें 36, 10, 54, तो टोटल 54 वैकेंसी या टोटल 54 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐसा करके इन्होंने पूरी सीट्स बता रखी हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगर सिलेबस भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सिलेबस भी इजिली मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी आपको मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए भी सिलेबस दे रखा है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री के लिए, ऐसे ही आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका जो आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड वो 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जेआरएफ है भी नहीं लेकिन अगर आपने जो पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो आपको यहाँ पे जो फी है सॉरी जो स्टाइपेंड है वो आपको 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। और ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको स्टाइपेंड भी 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना ना जाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।